मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर के वेदर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम अल नीनो, ला नीना, एमजेओ, आईओडी, इन सब के बारे में बात करेंगे और मानसून पर अभी तक क्या असर हुआ है और आगे क्या असर हुआ इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और पूरे देश का फोरकास्ट भी थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेंगे। उसके अगले वीडियो में पूरी डिटेल में हम जानकारी देंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारी जो स्काई मेट की नई वेदर ऐप है उसको आप अगर डाउनलोड करेंगे तो वो आपके जो भाषा है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी भाषा को और माइक को दबा करके जब आप मौसम से जुड़ा कोई भी सवाल पूछेंगे तो सटीक जानकारी मिलेगी और 15 दिन का फोरकास्ट भी मिलेगा, आपके अपने भाषा में जवाब मिलेगा और ये काफ़ी अच्छी ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सैटेलाइट पिक्चर वगैरह भी आपको लाइव सैटेलाइट पिक्चर भी मिलेगी। तो अब अल नीनो जो है वो आप देखिए 100% तक का जो जून जुलाई और जुलाई अगस्त और सितंबर में 100% तक इसका जो प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है और आप देखिए पूरे मानसून में ये लगभग 100% है, 98-99% तक का जो वैल्यू वो दिखाई दे रही है और ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका है। ऑलरेडी इसका असर दिखाई देने लगा है। जुलाई के महीने तक हमने देखा था कि इसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि जुलाई के महीने तक जो बारिश है वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी हुई थी। हालांकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई थी, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, लेकिन इन इलाकों में अब बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो अल नीनो का असर है वो अब अगस्त के महीने में जाकर के काफ़ी अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर तो बढ़ने लगे थे, अब जुलाई में ही बढ़ गए थे, जून में भी बढ़ रहे थे, लेकिन उसका जो समन्वय था जैसे मैंने पहले भी बताया एटमॉस्फेयर के साथ समन्वय नहीं हो पाया था तो वो अब जाकर के हुआ है तो उससे असर हो रहा है। हमारे साउथ जो वेस्ट मानसून है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है और ये जो नीनो होते हैं यानी कि जो इसको जो प्रशांत महासागर को जो बांटा जाता है अलग अलग वैल्यू में तो ये नीनो 3.4 जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है 190 से लेकर के 190 से ईस्ट से लेकर के 120 पश्चिम तक ये जो रीजन है ये नीनो 4 है, यही निर्धारित करता है कि अल नीनो कितना ज़्यादा प्रभावी है। इसी का ही जो मेन जो वैल्यू है उसको दिखा जाता है। ये नीनो 1 और 2 है, ये नीनो 3 है, ये नीनो 3.4 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीनो ये 4 है, ये 3 है, 1 2, ये 3, ये 3.4 और ये 4। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या वैल्यूज थी पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो आप देखिए 24 जुलाई को, 31 जुलाई, 7 अगस्त और 14 अगस्त तक का डेटा है, अब डेटा आने वाला है। तो अगर हम देखें तो 24 जुलाई को नीनो 3.4 जो बेंचमार्क है 1.1 था, यार इसका मतलब ये होता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर सामान्य से 1.1 डिग्री ज़्यादा है। अगर जो समुद्री सतह के तापमान प्लस माइनस 0.5 तक होते हैं तो उसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं, उसमें भी कभी कभी मानसून ठीक ठाक हो जाता है। अगर जो सी सरफेस टेम्परेचर कम होते हैं 0.5 से कम होते हैं और लगातार 3 जो कंजुकेटिव मंथ का जो पीरियड है वो 5 बार अगर इस तरह से होता है तो लानीना बन जाता है, उस समय हमारा मानसून अच्छा होता है। सीधी सीधी बात है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में जब समुद्र के तापमान बढ़ते हैं तब हमारा मानसून कमजोर हो जाता है, उसको अल नीनो कहते हैं। जब वहां पर तापमान घटते हैं तो हमारा मानसून अच्छा हो जाता है, उसको लानीना कहते हैं। अब अल नीनो चल रहा है तो आप देखिए 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, मतलब कि ये इसी रेंज में है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल नीनो बन रहा है और नीनो 1.2 जो है, 1 और 2 जो है वो 3.5, 3.3, 3.4, 3.3 यानी कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर इस समुद्री सतह का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये इसको कैनोनिक अल नीनो भी कहा जाता है। अगर पूर्वी प्रशांत जो एक्सट्रीम जो ईस्ट पैसिफिक ओशन है वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जैसे कि इस समय बढ़ रहे हैं और बाकी कभी कभी क्या होता है कि जो सेंट्रल और वेस्टर्न पैसिफिक में कम भी हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी मानसून पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये हमने 2014 में देखा था जो कैनोनिक अल नीनो था, हालांकि इसका डेटा बहुत ज़्यादा एक ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ऐसा होता हो, लेकिन अभी इसका कंपाइलेशन हो रहा है, जैसे जैसे ये और ज़्यादा डेटा इकट्ठा होगा तो उसके और ज़्यादा सटीक जानकारी हमें मिल पाएगी। तो ये हुआ अल नीनो का प्रभाव हम देख सकते हैं और इसके बाद हम चलते हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल भी क्या होता है। अल नीनो ला नीना बहुत बड़े पैमाने पर होता है कि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है और आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि दो तरह का अलग अलग जो डाइपोल का मतलब है दो पोल। तो अगर
आईओडी पॉजिटिव होता है तो मानसून को अच्छा कर देता है, बारिश अच्छी होती है, क्योंकि समुद्री सतह के तापमान जो पश्चिमी हिंद महासागर है यहाँ पर बढ़ जाते हैं, अरब सागर वगैरह बढ़ जाते हैं, और वहीं से आपको मालूम है कि इधर से ही जो हवाएं हैं वो साउथ वेस्टर्ली विंड आती है भारत के ऊपर, तो वो क्या होता है, अच्छा मानसून हो जाता है। अल नीनो के प्रभाव को भी कभी कभी वो कम कर देता है, जो 2019 में हमने देखा था अल नीनो होने के बावजूद भी 110% की बारिश हुई थी। तो इस बार ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है, अभी भी जो आईओडी है वो 0.32 डिग्री पर ही था। इसमें क्या है, जैसे कि अल नीनो ला नीना में 0.5 कम ज़्यादा होना चाहिए, इसमें 0.4 डिग्री अप डाउन होता है, यानी प्लस या माइनस होता है, तो उसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। अभी तक ये पॉजिटिव साइड ऑफ न्यूट्रल कंडीशन आईओडी बना हुआ है, और जो मॉडल है वो इंडिकेट कर रहे हैं अगस्त में जाकर के, अगस्त के आखिर में जाकर के थोड़ा सा ऊपर आएगा ये 1 डिग्री के आसपास या 1.2 डिग्री के आसपास आएगा, लेकिन अभी तक ये फोरकास्ट सही नहीं हो पाया है। और अभी भी आप देखिए हम अगस्त के तीसरे सप्ताह में पहुंच गए हैं और अभी भी इसका जो फोरकास्ट है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इंडियन ओशन डायपोल हमारे मानसून को अल नीनो से निजात दिला पाएगा। इसीलिए जो स्काईमेट का फोरकास्ट ये है कि अगस्त के जो बाकी बचे दिन हैं केवल पूर्वी और मध्य भारत में ही बारिश होगी, बाकी जो पश्चिमी भारत है वो सूखा रहेगा, दक्षिण भारत सूखा रहेगा, सितंबर के महीने में भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये इंडियन ओशन डायपोल का फोरकास्ट है। और एक और वेदर पैरामीटर होता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, जो ईस्टवर्ड प्रोपोगेटिंग वेव होती है जो भूमध्य रेखा के आसपास से गुजरती है, जब वो हिंद महासागर में आती है तो वो मानसून की गतिविधियों को बढ़ा देती है या बारिश को बढ़ा देती है। तो अभी जो आगे इस समय ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ये प्रशांत महासागर में जा सकती है अगस्त के एंड में, और उस समय जो टाइफून है साइक्लोन है इनका इनको थोड़ा सा वहाँ पर बढ़ा देती है ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक में, लेकिन इसका असर अभी जो फिलहाल है ये आप देखिए जो ये जो इंडियन ओशन है 2 और 3 यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा मतलब अनइवन इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा नहीं है। तो अभी अगस्त के महीने में हमें ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि इसका कोई असर हमारे मानसून पर पड़ पाएगा, इसमें कोई भी ये सहायता हमारी नहीं कर पाएगा। तो ये है अभी तक का जो हमारा जो एनालिसिस है इसका, यानी कि अल नीनो ला नीना का और इंडियन ओशन डायपोल और एमजीओ का, यानी कुल मिलाकर के नटशेल में सीधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि अल नीनो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो गया है, इसके कारण मानसून कमज़ोर होता जा रहा है, अगस्त के महीने से ही हम कमज़ोर देख रहे हैं, आगे मानसून के रिवाइवल की बहुत ज़्यादा उम्मीद आप ना करें और अब अपना ही इंतजाम आपको करना पड़ेगा, यानी कि मानसून के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, बाकी इलाके मध्य प्रदेश के भी पूर्वी जिलों में बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक अभी का जो वो है, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया है नॉर्थ ईस्ट इसमें मध्य प्रदेश पर आ गया है, एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ आप देखिए थोड़ा नीचे आ गई जो पहाड़ों पर थी, इसीलिए पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो गई हैं। तो अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन गया है नॉर्थ ये यानी कि सेंट्रल पाकिस्तान पर, तो इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर गिलगित बल्टिस्तान मुजफ्फरबाद लद्दाख हिमाचल इन इलाकों में हल्की बारिश होगी, और उसके बाद ये लो प्रेशर एरिया हो सकता है कि ये अब क्या होगा कि ये इस तरह से ये रिकर करने लगेगा, जैसे पहले भी जो लो प्रेशर एरिया थे वो इस तरह से आगे बढ़े थे और यहाँ पर मूव करके थे, आगे की तरफ नहीं जा पाए थे क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं हैं इनको रोके हुए हैं। तो जब इस तरह से रिकवर करेगा तो अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियाँ जो हैं वो उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों में बढ़ जाएगी, और लेकिन ये जो उत्तराखंड है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा कि अगले 24 घंटों तक आज जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तर पूर्वी गुजरात मध्य प्रदेश के कई इलाकों में और विदर्भ के साथ साथ इन इलाकों में दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिखाई देंगी। भारी बारिश हो सकती है सवाई माधोपुर कोटा बूंदी बारा भीलवाड़ा अजमेर और जयपुर में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ पर छुटपुट खंड वर्षा ही होगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिले भी सूखे ही रहेंगे, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में छुटपुट बारिश की संभावना है और दिल्ली एनसीआर में भी हल्की फुल्की कहीं पर बौछारें पड़ सकती है, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा प्रभाव इसका ज़्यादा रहेगा और उसके बाद जब ये लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन करके जब ये उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाएगा इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो क्या होगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, यानी कि ईस्ट उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ेगी, उड़ीसा के उत्तरी जिलों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में भी बारिश बढ़ सकती है।
और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिले हैं वहां पर 24 घंटे के बाद बारिश की बढ़ जाएंगी और जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह का यहाँ का वेदर एक्टिविटी रही। और जो उत्तर पूर्वी यानी अहमदाबाद और उसके जो उत्तर में जितने भी जिले हैं वहां पर हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आज हो जाए, आज और कल हो जाए, उसके बाद यहाँ पर फिर से मौसम लगभग सूखा हो जाएगा। और मुंबई थाने दाहन से लेकर के जो तटीय महाराष्ट्र है वहां पर मानसून सर्ज कम हो जाएगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। विदर्भ में बारिश की गतिविधियां अच्छी हो रही है, विदर्भ और मराठवाड़ा में अगले 24 घंटों तक तेज बारिश होगी, उसके बाद यहाँ पर भी कमी आ जाएगी। उत्तरी तेलंगाना में हल्की बारिश की गतिविधियां हैं, कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश है, उसके बाद यहाँ बारिश कम हो जाएगी। तटीय आंध्र प्रदेश पर हल्की बारिश होगी, कोकण एंड गोवा और कोस्टल कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के साथ साथ इंटीरियर कर्नाटका में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बारिश ही दिखाई देगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं अगले वीडियो में पूरे विस्तार से आपको समझाऊंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।